सो इंडियन टीम टू अफगानिस्तान टीम भी लाइक कुछ सोचा है कि न्यूजीलैंड को कैसे हराना है, सो अफगानिस्तान टीम प्लेयर्स भी लाइक ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं बट सोचेंगे। सो टुडे इज आवर लास्ट ऑफ व्हेन इंडिया कैन एक्चुअली गो अहेड इन दिस आई अपना ये जो T20 वाला चल रहा है। अभी T20 में इंडिया तो ऑलरेडी दो मेन मैच ऑलरेडी हार चुके हैं। अभी सिचुएशन ऐसा है, अगर आज अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है देन इंडिया इज गोइंग टू हैव द चांस, या फिर दुबई में बारिश होता। अभी दुबई में तो बारिश नहीं होने वाला, सो वो तो अपना ऑप्शन गया। अभी ओनली ऑप्शन इज अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हराता है, जो कि मतलब 99% चांस है नहीं। फिर भी हम इंडियन फैंस मतलब ऑलवेज पूरा लास्ट तक, जैसे पहले मालूम है मेरे को 90s में हम लोग जब क्रिकेट देखते थे तेंदुलकर अजहरुद्दीन सहवाग वो सब कुछ आउट हो गए होंगे, फिर भी वी वुड बी हैविंग लाइक द पूरा मतलब लास्ट में जावागल श्रीनाथन वेंकटेश प्रसाद भी आ जाएंगे, हमें लगता होगी वो भी 50-50 मार के इंडिया को जीता देंगे। वही लेवल का अपन मतलब पूरा लास्ट तक ट्रस्ट रखते हैं इंडिया जीत सकता है। तो अभी अपना इंडियन फैंस टोटल वेट कर रहे होंगे कि हाँ इंडिया जीत सकता है। मॉर्निंग सो लास्ट पर अभी जब मैं हैदराबाद गया था लाइक 2 years बैक टू गेट माई वॉचेस, तब मेरे पास ऑप्शन था उस दिन बिरयानी खाने का, बाकी तब तो मैं पूरा स्ट्रिक्ट डाइट में था, वी डोंट हैव इट। बाकी इस बार डाइट को अपन थोड़ा एडिट कर सकते हैं। सो कल वन ऑफ माई फ्रेंड हैड गॉन टू हैदराबाद, सो हैज गॉट दिस पैराडाइज बिरयानी। भाई ये तो 1950 मतलब 50-60 सालों से, बाकी जो बिरयानी वाला बिजनेस एक्चुअली इंडिया में खतरनाक चल रहा है। अभी हैदराबाद में 2-3 फेमस बिरयानी है, वन इज पैराडाइज बिरयानी और एक मैंने सुना है कुछ बावर्ची बिरयानी और एक भी कौन सा है, बाकी मैंने कभी आज तक हैदराबाद का बिरयानी मैंने आज तक भी टेस्ट नहीं किया। एक जब मैं हैदराबाद गया था तब वहाँ एक रेस्टोरेंट में हैड द बिरयानी, बाकी बहुत ही खराब बिरयानी था, बहुत ही खराब बिरयानी था। उसके बाद मतलब बहुत सारे हैदराबाद के जितने अपने सब्सक्राइबर्स उन्होंने कमेंट किए कि भाई आप तो सही जगह गए ही नहीं, उसके लिए आपको खराब वाला बिरयानी मिला। तो इस बार फाइनली आई हैड गॉट दिस पैराडाइज वाला बिरयानी, पीपल से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी हैदराबाद। भी आज टेस्ट करके देखते हैं कैसे लगता है। सो आज ये वाला बिरयानी है मतलब लंच में, आज मेरे को एक लंबा वाला इंटरनेट फास्टिंग करना पड़ेगा क्योंकि बिरयानी से अच्छा से खाएंगे। अब ये जो पैकेजिंग होके है देखो पूरा खतरनाक वाला पैकेजिंग, अभी इसके अंदर है मे बी आई गेस 2 or 3 पैकेट्स एंड इसके लिए माई फ्रेंड हैज ऑलरेडी पेड ए लॉट ऑफ मनी टू द एयरलाइन जस्ट टू गेट इट, क्योंकि 5-7 किलो का था ओनली ये, मतलब जितना पैसा उसने बिरयानी दे के खरीदा ना उससे ज़्यादा पैसा उसने इंडिगो को पे कर दिया मे बी वेट के लिए ओनली। एनी वे सो इट्स हियर, आके पहले ऑफिस जाके मैं वीडियो खत्म करके आता हूँ, देन वील हैव द बिरयानी। एंड बिरयानी से याद है आपको एक छोटा वाला बिजनेस आइडिया दे देता हूँ, इंडिया में एक्चुअली ओनली वही प्रोडक्ट चलता है जो मतलब बहुत ज़्यादा कम पैसा हो तो एंड यू आर गोइंग टू सेल इन मास वॉल्यूम। सिंपल आइडिया है बिरयानी, देख लो फॉर एग्जांपल बिरयानी लेट से समवन इज सेलिंग फॉर 200 rupees, आप अपना एक सिटी में 2 stores खोलते हो, फर्स्ट स्टोर एक स्टोर खोलते हो 200 rupees चार्ज करते हो, एक दिन में टारगेट करते हो 500 boxes, 500 boxes का बिरयानी अगर जाता है 200 rupees में यू आर मेकिंग 1 lakh पर मंथ, एक मंथ में यू आर मेकिंग 30 lakhs, अगर 2 stores है यू आर मेकिंग 60 lakhs, 2 stores कितना हो गया 1 lakh, 1 lakh 30 lakhs, हाँ 60 lakhs हो गया। अगर आप 500 बॉक्स भी सेल नहीं कर सकते सेम वाला स्टोर आप अपने स्टेट में 4-5 अलग अलग सिटी में खोलते हो, एक अच्छा ब्रांडिंग करके बेचते हो, उसके बाद यू कैन इजीली टारगेट सेल्स, क्योंकि ये जो चीज़ है इसमें लोग क्या निकालेगा, 200 rupees का बिरयानी वो लेगा खाएगा भाई साइड जाएगा, अगर अच्छा बनता है वो फिर से आएगा खरीदने के लिए। सो बेसिकली इट जो खाने का बिजनेस है इंडिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक चलता है, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। एंड ये एक्चुअली स्केल अप करना ही बहुत ही, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, 2-4 बंदे रखो, अगर एक स्टोर सबका 30 lakh का बिजनेस हो रहा है उसमें 3 बंदे का रहते हैं उनका सैलरी 1 lakh, इलेक्ट्रिसिटी रेंटल सब लेके 4-5 lakh का खर्चा होता है यू आर स्टिल सेविंग क्लोज टू 20 lakhs। सो ये जो बिरयानी आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में चाय मस्त बिक रहे हैं, बिरयानी मस्त बिक रहे हैं, आइसक्रीम मस्त बिक रहे हैं, मोमो मस्त बिक रहे हैं, ये सब बिजनेस एक्चुअली इंडिया में मस्त चलता है, बर्गर मोमो चिकन रोल चाय बिरयानी ये सब बिजनेस में एक्चुअली लॉस बहुत कम है एंड यू कैन एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स। वेयर इज योर मैक्लारेन, क्लोज इट, bye 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 Lily bye Daddy goodbye goodbye chalo bye chalo order baju chalo order baju।
एंड भाई लोग आज तो सैटरडे है, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस सैटरडे। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, दो तीन वीडियोस खत्म करके देन आई गेट बैक टू होम फॉर माय लंच। सो सैटरडे ही एक दिन मिलता है जिसको, मतलब जिस दिन मैं मल्टीपल वीडियोस बना सकता हूँ। अभी तो मेरा प्लान है हर दिन दो वीडियो डालेंगे, एक मोटिवेशनल वाला स्टोरी बना के इवनिंग में वाला टाइम में डालेंगे अगर टाइम होता है तो, एंड और एक अपना नॉर्मल वीडियो वाला 9 AM वाला टाइम। और एक चीज़ है कि आई एम एक्चुअली मीटिंग माई HDFC मैनेजर टुडे। अभी मेरे को ये डिसाइड करना है कि इधर आई हैव टू कीप माई अपना सिटी बैंक वाला कार्ड विच आई हैव केप्ट इट फॉर लास्ट 11 or 12 years। अभी मेरा सबसे लंबा वाला सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड व्हाट आई पर्सनली यूज, लाइक एवरी डे आई यूज इट। सो सिटी बैंक वाला कार्ड अभी मैं क्लोज करने के लिए प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि सिटी बैंक में बहुत सारे फीचर्स हैव ऑलरेडी रिमूव्ड, इट डजंट मेक सेंस पेइंग सो मच मनी फॉर द सिटी बैंक ईयरली वाला चार्जेस। सो आई एम एक्चुअली थिंकिंग टू मूव ईदर टू अमेरिकन एक्सप्रेस और मे बी HDFC का जो इन्फिनिया वाला कार्ड है। सो अगर इफ समवन इज यूजिंग बोथ अमेरिकन एक्सप्रेस एंड इन्फिनिया कार्ड, मेरे को ये चीज बताओ कि कौन सा वाला लेना चाहिए, अमेरिकन एक्सप्रेस ले या फिर इन्फिनिया ले। अमेरिकन एक्सप्रेस का एक ही प्रॉब्लम होगा कि इंडिया में बहुत जगह वो स्वाइप नहीं करते, एनी वेज मेरा इंडिया में वैसे भी कुछ पैसा खर्चा नहीं होता, मैं बाहर जाता हूँ तभी खर्चा होता है। सो अमेरिकन एक्सप्रेस वो एक अच्छा रहेगा एंड इन्फिनिया। बाकी इंडिया में अमेजोन शॉपिंग करने से आई वाज जस्ट चेकिंग, सो जस्ट इन केस इफ एनीवन इज यूजिंग बोथ द कार्ड्स लेट मी नो कौन सा वाला लेना चाहिए, बिकॉज मे बी बाय मंडे आई हैव टू डिसाइड कि इधर इन्फिनिया लेंगे नहीं तो अपना सिटी बैंक का तो मैं नहीं रखने वाला। सिटी बैंक तो एनी वेज आई एम गेटिंग कैंसल, उसको टोटल स्टॉप करना पड़ेगा, साला चार्जेस बहुत लेते हैं एंड फीचर्स कुछ भी नहीं मिलता है। सो इधर इट्स अमेरिकन एक्सप्रेस और मे बी HDFC इन्फिनिया। एंड अभी काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि भाई आप जाके जय भीम वाला कोई एक मूवी देखो, अमेजोन पे आया हुआ है एंड वो फाइनली वो हिंदी में है। सो नॉर्मली मैं साउथ इंडियन मूवीज़ अवॉइड करता हूँ क्योंकि मेरे को समझ में आता है नीचे सबटाइटल्स देखने से, मूवी ऊपर में देखना कम, ज़्यादा सबटाइटल्स पढ़ने में टाइम चला जाए, दैट इज़ द रीज़न आई नॉर्मली अवॉइड साउथ मूवीज़। बट मे बी दैट इज़ द रीज़न अपने जो साउथ के जो फैंस हैं उन्होंने लिखा हुआ है भाई हमारा ये वाला मूवी आया है अमेजोन प्राइम में, वो फाइनली हिंदी में ही है। सो लेट मी नो हाउ इज़ द मूवी, इफ इट्स गुड आई विल जस्ट गो एड एंड वॉच इट। जय भीम ऑन Amazon Prime, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो एक खतरनाक वाली दुविधा है भाई लोग, जब मैं इंडिया में रहता हूँ लोग बोलते रहते हैं वी आर एक्चुअली मिसिंग योर इंटरनेशनल रोड ट्रिप्स वाले व्लॉग्स, जब मैं बाहर रहता हूँ लोग बोलते रहते हैं वी आर मिसिंग योर इंडिया वाले व्लॉग्स, वो ज्यादा अच्छे थे। अभी करे तो क्या करे बताओ, अभी लगता है यही करना पड़ेगा, सुनो सबकी करो अपनी, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई एंड प्लीज ईच एंड एवरी वन। एंड भाई लोग वन पॉइंटर आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट अभी मैंने जब फेब्रुवरी में आई सजेस्टेड पीपल टू बाय डॉज कॉइन बिकॉज आई वॉज बाइंग, सो काफी लोगों ने खरीदा था एंड काफी लोगों, मतलब आई हैव गॉट लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैसेज वेयर पीपल केप्ट ऑन सेइंग भाई मेरा इतना प्रॉफिट हुआ। मेरा कुछ लोगों ने कहा था कि लॉस भी हुआ, बाकी काफी लोगों ने प्रॉफिट कमाया था। सो आई वॉज नॉट बेसिकली सजेस्टिंग पीपल टू बाय, मैं बाय कर रहा था, मैंने वीडियो में कहा था एंड लोगों ने बाय किया था, दैट इज द सेम रीजन आई हैड ऑल्सो परचेज सिबा ANU बैक इन मई में मैंने खरीदा था सिबा ANU एंड आई ऑल्सो सजेस्टेड बैक देन। बाकी सिबा ANU में भी काफी लोग नहीं खरीद पाए क्योंकि सिबा ANU अपना ये कॉइन स्विच कुबेर में नहीं था, वजीरेक्स में भी नहीं था, अभी तो वजीरेक्स में है। सो जस्ट इन केस इफ यू आर स्टिल नॉट बाइंग सिबा ANU, आप खरीद सकते हो बिकॉज पर्सनली आई हैव बीन बाइंग ए बिट। सो मैं सिबा ANU को स्टॉक करके रखा हूँ कुछ से, डॉज कॉइन आई एम स्टिल होल्डिंग इट, बिटकॉइन, लाइट कॉइन, XRP, Solana एंड Ethereum ऑल्सो आई एम होल्डिंग, बट सिबा ANU आई बीन ट्राइंग टू टॉप अप ए बिट सिंस मे जून, मैंने दो बार टॉप अप किया था, अभी अगस्त में मैंने एक बार टॉप अप किया था एंड अभी नवंबर में आई हैव डन ए बिट ऑफ टॉप अप। सो सिबा ANU आप खरीद सकते हो, अभी ये जो है कोई मतलब ऑफिशियल वाला आपको मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ओनली आई एम सेइंग आप खरीद सकते हो बिकॉज उसका मैंने जितना रिसर्च किया है मे बी उसका थोड़ा कैपेसिटी तो है, आपको थोड़ा पैसा डबल मे बी हो सकता है, सो यू कैन डू दैट। बाकी ऑफकोर्स आपका टोटल लाइफ का सेविंग्स में डाल देना, कुछ कुछ सेविंग्स डालो, कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट करो, अगर कुछ रिटर्न्स आता है तो बाद में थैंक यू बोल सकते हो। बाकी अगर आप इंडिया में हो सिबा ANU अगर आपको खरीदना है आप वजीरेक्स से खरीद सकते हो बिकॉज कॉइन स्विच कुबेर में अभी तक नहीं है, कॉइन DCX में है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, पर्सनली आई हैव बीन परचेजिंग फ्रॉम Binance, मैं Binance यूज करता हूँ बिकॉज दैट इज माई मेन पोर्टफोलियो स्टेज एट Binance, तो एक जगह मेरे को सब कुछ मैनेज हो सकता है, 1000 एप्लीकेशन यूज करो उसमें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। सो वजीरेक्स में यूज नहीं करता क्योंकि वजीरेक्स का इंटरफेस मेरे को इतना अच्छा, इंटरफेस अच्छा है बाकी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, सो आई पर्सनली डोंट यूज वजीरेक्स, मेरे को अच्छा लगता ही नहीं है। Binance आई हैव गुड एक्सपीरियंस, आई हैव बीन यूजिंग Binance टू बाय माय सिबा ANU, अगर आप खरीदना चाहते हो वहां जाकर खरीद सकते हो। ये वाला क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा था कि भाई सिबा ANU हम कहां से खरीदे कैसे खरीदे, आप डायरेक्टली जाके Binance में जाकर खरीद सकते हो, P2P से आपका इंडियन वाला UPI वाला अकाउंट से आप कर सकते हो, इंस्टेंटली UPI में आप USDT खरीदो, उसके बाद USDT में एक क्लिक करके USDT टू सिबा ANU कन्वर्ट करो, आपके Binance वाले पोर्टफोलियो में इमीडिएटली आ जाएगा, वेरी इजी एंड सिंपल।
एंड जस्ट इन केस इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज कि कैसे ये वाला प्रोसेस होता है, कैसे खरीदना रहता है, इसके बारे में ऑलरेडी पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया हूँ पैट्रियन, उसका लिंक मैं नीचे डालता हूँ, आप डायरेक्टली जाके वहाँ से देख के भी यूज करके खरीद सकते हो। भाई लोग उस दिन दिवाली के दिन तो मेरा दिवाला निकल चुका था पेट पकड़ पकड़ के बाथरूम जा जाके, बाकी उस दिन मैं टाइम निकाल के मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आई हैव डन ए बिट ऑफ शॉपिंग ऑफ द स्टॉक्स। मैं आपको ऊपर ऑफिस जाके वो दिखाता हूँ व्हाट स्टॉक हैव परचेस्ड ऑन दैट डे। सो बेसिकली ड्यूरिंग दैट मुहूर्त ट्रेडिंग आई हैव परचेस्ड हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, एस्ट्रल पाइप्स, टीसीएस, इन्फोसिस, महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर, टाटा पावर, आईटीसी, राइट्स, एशियन पेंट्स एंड पीडी लाइट। सो इतना ही मैंने कुछ कुछ सा टॉप अप मैंने किया, कुछ कुछ नया है परचेज। सो बेसिकली दोज वेर द स्टॉक्स विच आई परचेज दैट डे ड्यूरिंग द मुहूर्त ट्रेडिंग। सो बाकी इतना खरीदने के लिए कितना पैसा नॉर्मली इन्वेस्ट हुआ अगर देखते हैं, कौन सही जवाब दे सकता है कमेंट्स में। सो एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस हैव परचेज ड्यूरिंग दैट मुहूर्त ट्रेडिंग ऑल्सो इन द कमेंट्स। And when it comes to cryptocurrency, if you guys want me to suggest कि कौन सा cryptocurrency अभी आपको खरीदना चाहिए, like the ones which I have been trying to do more top ups is, one is Bitcoin, Ethereum, आपका most of the major money आपका Bitcoin, Ethereum में रहना चाहिए because that is stable. Of course, it's not going to grow very high in coming years as well. बाकी आपका पैसा safe रहेगा, थोड़ा थोड़ा मस्त से grow भी करेगा. But अगर आपको थोड़ा risk लेना है, what you can do is Shiba Inu हो गया, Dogecoin हो गया, Solana हो गया, पोलका डॉट हो गया, कार्डानो हो गया, उसके बाद XRP हो गया, ये सब में भी आप डाल सकते हो। रिस्क वाला पार्ट जो है मतलब मीम कॉइन्स, डॉज कॉइन, सिबा एनयू, इसको छोड़ के और जो सब है मोस्टली दे आर स्टेबल। सो पोलका डॉट, कार्डानो, सोलाना, बिटकॉइन, इथीरियम, लाइट कॉइन, ये सब में अगर आपका पैसा मतलब डाइवर्सिफाई रहता है, आई थिंक इट्स गुड टू गो। आपको पैसा ज़्यादा रिस्क में नहीं डालने का है, आराम से इन्वेस्ट करो एंड यू कैन एक्चुअली सी गुड नंबर ऑफ रिटर्न्स आफ्टर मे बी 5 years, 10 years समथिंग डाउन द लाइन। अगर आप टोटल रिस्क ले जाओगे पैसा डूब गया तो भाई लॉस होगा, उसलिए अच्छा मतलब जो स्टेबल एंड जो लार्ज कैप जिसको बोलते हैं, लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी जो रहेगा इथीरियम बिटकॉइन में मिनिमम 30-40% आपका जो क्रिप्टो करेंसी का जो पोर्टफोलियो 30-40% आपका बिटकॉइन इथीरियम अगर सेव होकर रहता है दैट इज द बेस्ट। और सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वीडियो का टाइटल है हाउ टू मेक योर फर्स्ट 1 crore। मैं एक छोटा वाला को शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आपको लगे कि 1 crore, भाई 1 crore तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, 1 crore में कैसे कमाएगा रे बाबा, इतना पैसा कैसे कमाएगा, मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ। देखो 1 crore में कितना जीरोज रहता है, 1 में 7 0, ठीक है। तो लेट्स से इफ़ यू हैव ए प्रोडक्ट और सर्विस, उसको आपको ओनली 2000 कस्टमर को सेल करना है एंड ओनली मेक देम चार्ज 400 rupees पर मंथ। 2000 कस्टमर्स मंथली 400 rupees, एक साल में आपको कितना मिलेगा, 1 crore, एग्जैक्टली 1 crore नहीं, वही मतलब 1 crore आसपास। सो बेसिकली यू ओनली हैव टू स्टार्ट ए प्रोडक्ट और सर्विस एंड हैव जस्ट 2000 कस्टमर्स एंड मेक देम ओनली 400 rupees। अगर कोई ऐसा एक प्रोडक्ट या सर्विस आप देते हो जो कि बंदा ओनली मंथली आपको 400 rupees देता है एंड वैसे करके ओनली आपको अगर 2000 कस्टमर मिल जाते हैं, यू कैन इजिली मेक 1 crore rupees इन ए ईयर। सो 400 rupees तो भाई लोग तो मतलब सिगरेट फूंकते हैं, दारू पीते हैं, 400 rupees उनका हर मतलब ये हर मे बी हर इवनिंग में दे नॉर्मली स्पेंड। अगर आप ऐसा कोई एक सर्विस दे दो जिसके लिए वो आपको 400 rupees मंथली देंगे एंड यू कैन हैव 2000 कस्टमर्स, यू कैन इजिली मेक दिस 1 crore। तो ऐसे ही करके आपको बैक कैलकुलेशन करना, अगर आप पहले से ही गिव अप कर दो कि अरे इतना बड़ा एम अपन नहीं कर सकते, इतना बड़ा पैसा हम तो नहीं कमा सकते, इतना बड़ा काम करना हमसे नहीं होगा। सो अगर पहले से आप गिव अप कर दोगे तो वैसा नहीं होता, आपको ओनली छोटा कैलकुलेशन करके बैक कैलकुलेशन करके चलना है। सो बेसिकली ओनली हैव 2000 कस्टमर्स, चार्ज देम 400 rupees पर मंथ, ईयरली यू आर गेटिंग पेड 5000 rupees फ्रॉम 2000 कस्टमर्स एंड इट मेक्स यू 1 crore ए ईयर। एंड इफ यू आस्क मी हाउ आई मेड माय फर्स्ट 1 crore, इट वाज थ्रू बाय सेलिंग सॉफ्टवेयर्स ओनली। भाई सेलिंग सॉफ्टवेयर का ये मतलब नहीं है कि जो पायरेटेड वाला एडोबी फोटोशॉप ये वो। सो बेसिकली सेलिंग सॉफ्टवेयर एज इन वी नॉर्मली डेवलप CMS add-ons, CMS e-commerce add-ons, हम लोग वो जो add-ons बनाते हैं वी स्टिल सेल देम। सो बेसिकली हम वो क्या करते हैं, हम वर्ल्ड भर उसको सेल करते हैं एंड वी कीप ऑन गिविंग द सर्विसेज एंड सपोर्ट टू ऑल दोज क्लाइंट। दिस इज हाउ आई हैड मेड माय फर्स्ट 1 crore। सी आई ऑलवेज कीप ऑन टीचिंग यू गाइज हाउ टू मेक मनी बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन टू ग्रो, आई वॉन्ट एवरी वन टू गो अहेड इन देयर लाइफ। सो बाकी लाइफ में अगर आपको आगे जाना है, इफ यू रियली वॉन्ट टू मेक मनी, देखो वर्ल्ड में एवरीथिंग इज लाइक ओवर सैचुरेट। सो ईदर यू हैव टू हैव समथिंग वेरी यूनिक, ईदर मे बी इट हैज़ टू बी समथिंग वेरी परफेक्ट और इट हैज़ टू बी समथिंग लाइक विच इज लाइक अल्ट्रा डर्ट चीप और एल्स लाइक इट हैज़ टू बी समथिंग वेरी यूनिक। सो बेसिकली यही 2-4 पॉइंट है। सो थिंग इज आपको ऐसे कुछ एक करना है या फिर ऐसे कुछ एक प्रोडक्ट या सर्विस देना है जिसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन ना हो एंड जो कि मतलब थोड़ा हटके हो एंड जिसपे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल आप कभी बिजनेस करने जाते हो या फिर कुछ एक प्रोडक्ट या सर्विस प्लान करने जाते हो, आपको लगता है नहीं नहीं ये वाला करेंगे तो हमें तो कस्टमर्स मिलेंगे नहीं, अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन, इसमें अपन नहीं करेंगे, अरे इसमें तो पैसा आपको नहीं मिला। सो बेसिकली आइडिया इज आपका जो
भी मतलब द थिंग विच यू आर रियली गुड एट, आपको वही वाला सिस्टम को पकड़ना है एंड उस पर अपना ट्रस्ट डाल के उस पर आपको सीधा आगे बढ़ना है। अगर आप सोचते रहोगे ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली द आइडिया टू सक्सीड इज टू जस्ट गेट स्टार्टेड, पहले शुरू तो करो उसके बाद जाके वो देखना है। अगर आप हारते भी हो, अगर आप मतलब फेल भी हो तो एटलीस्ट यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग, सो नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट गोइंग टू मेक दैट मिस्टेक। सो ऑलवेज द आइडिया हैज़ टू बी समथिंग, आपको पहले करना है बॉस, करो पहले करो उसके बाद जाके गिव अप करना। करने से पहले अगर आप गिव अप कर दोगे तो नहीं होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए सिंपल आइडिया, अगर मैं इंडिया में रहता मे बी आई वुड हैव जस्ट वेंट अहेड एंड डन दिस। अभी देखो आपको ये जैसे आइडिया मैं आपको दूंगा आपको लगेगा अरे ये तो बेकार आइडिया, ये आइडिया तो कभी भी इंडिया में नहीं चलेगा, बट आई कैन बेट यू अगर मैं ये करता हूँ आई कैन ईजिली गेट 5000 कस्टमर्स ईजिली इन ए ईयर। इट्स वेरी इजी, क्योंकि मैंने जब SBK जो स्टार्ट किया था बैक इन 2014 तब मेरे घर वाले भी हंस रहे थे, अरे यार 1 लाख वाला हेलमेट कौन खरीदेगा, तेरे से कोई नहीं खरीदेगा, तो यू विल नॉट बी एबल to sell 1 lakh wala helmet, but we have sold many अभी भी। मतलब basically the idea is आपको अगर आप मतलब पूरा honestly कोई एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाए कि ये चीज़ मेरे को करना है बॉस, ये वाला चीज़ तो काम करेगा, ये वाला काम तो करना ही है, कैसे भी करके काम करेगा, then you can just go ahead with it and make sure it really gets successful. Yes, that's it for today. आजकल थोड़ा थोड़ा छोटा वीडियो बनता है because I'm actually trying to study something new. I'm actually studying, मैं बहुत दिन से आपको कहा नहीं what I have been studying. So I have been trying to get into those NFTs and metaverse. अभी 2-3 दिन पहले I have just started to read. So NFT I am actually trying to study because I want to sell my wife's art and मेरा जो मतलब I have been traveling all throughout the world since years. So मेरा जितना सब best photos है so I am actually trying to sell it to my कस्टमर्स। अभी आई नॉर्मली सेल इट एज कैनवस प्रिंट्स हो गया या फिर प्रिंट्स हो गया पोस्टर्स हो गया, बट आई वॉन्ट टू सेल इट थ्रू NFT सो एट इट कैन लाइक रीच टू ए ग्लोबल ऑडियंस एज वेल। सो दैट इज वॉट आई बीन ट्राइंग टू गेट इट। सो एक वाला प्लेटफॉर्म बना के फ्रॉम वेयर आई कैन लिस्ट माई वाइफ्स पेंटिंग एंड आई कैन लिस्ट माई ओन फोटो सो पीपल कैन एक्चुअली बाय इट एंड वी कैन ट्रांजैक्ट टू द क्रिप्टोकरेंसी पार्ट, दैट इज वॉट आई बीन ट्राइंग टू लर्न। अभी मेटावर्स एक नया वाला चीज़ है उसके अंदर भी थोड़ा घुस के उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बाकी आई हैव बीन इन्वेस्टिंग ऑन द NFT के रिलेटेड जितने भी क्रिप्टोकरेंसी है, मेटावर्स रिलेटेड जो नए नए गेमिंग रिलेटेड क्रिप्टोकरेंसी हो गए, AR रिलेटेड, VR रिलेटेड, ये थोड़ा एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाला है। जो अभी इसके अंदर पढ़ रहा है मे बी दे वुड बी एबल टू रिलेट टू मी, और एल्स मतलब जिनके लिए ये सब नया वाला वर्ड है उनके दिमाग से टोटल ऊपर चले जाएगा। दैट इज वॉट आई बीन ट्राइंग टू स्टडी नाउ। एनीवेज इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स, बाकी थोड़ा टाइम तो लगे, जब मेरे पास थोड़ा अच्छे से नॉलेज आ जाएगा देन आई विल जस्ट गो एंड शेयर विद यू गाइस। अगर आप इतना तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मार के चले जाना, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल एज वेल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट विद अ न्यू ब्लॉग।